गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जेके 12 वाले वीर। सो भाई जैसा कि आपको पता ही है, हम इधर ही मंडी में थे। कल लूट नहीं हुई है क्योंकि माल पूरा नहीं था, बोल रहे थे आज ही लूट करेंगे। तो अभी फिलहाल दूसरा दिन है, आज गाड़ी निकल जाएगी। बोल भी रहा था ट्रांसपोर्ट वाला, बोलता आज गाड़ी आपकी निकालूंगा। तो ये रहा मंडी, यहाँ और गाड़ियाँ आ गई हैं। एक ये इधर अन्ना गाड़ी लोड हो रखी है, देख लो। तो ऐसे ही लोड होगा हमारा भी, जैसे ये लोड हुआ है। तो चलो ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, और दूसरे दिन की सुबह यहाँ मधुर मंडी में। तो चलो भाई, अभी हमने उधर से लाया नाश्ता, ब्रेकफास्ट लाया, जैसे मसाला राइस, डोसा वगैरह। करते हैं नाश्ता पानी, फिर उसके बाद भाई देखते हैं। तब तक माल भी आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी माल नहीं आया, वो देखो गेट बंद ही है। अभी जो नया माल हो, जैसे वो पिकअप आई है, अभी आना स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही माल आएगा तो अपनी गाड़ी में लोडिंग चालू हो जाएगी भाई। फाइनली आज लोडिंग अपनी स्टार्ट हो गई है। तो भाई अपनी लोडिंग हो रही है, आपने कंटिन्यू आज से लेके एक दो तीसरा बत्ता लोड हो रहा है। अभी इसको हाइट नहीं कर रहे हैं यार, ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। अपनी गाड़ी लंबी है ना, इसलिए। तो चलो अभी यहाँ देख लो भाई कितनी गाड़ियाँ हो रही हैं लोड। मैं तो आके पेड़ पे बैठ गया आज, आपने दरी धो कर उधर रख दिया। और उधर देख लो, वहाँ भी लोडिंग चल रही है। इधर एक खड़ी है, ये अपनी गाड़ी में पलटी जाएगा। अभी एक और आ गया गाड़ी, ये वाला। दो बत्ते हो गए बाड़ी के लेवल में लोड। अब देखते हैं कितना हो जाता है भाई। इधर तक कर रहे हैं कंटिन्यू लोडिंग, पिकअप अभी ये वाला लगा है। उधर दूसरी गाड़ी लगी है, एक राजस्थान वाली, एक गाड़ी जम्मू में, जम्मू के लिए लगी है वो वाली 14 टायरी। चलो भाई क्या करना है अभी। हो रहा है भाई अपना लोड, ट्रक आधे से ज्यादा हो गया लोड। इधर भी देख लो, ये गाड़ियां लाइन में खड़ी है। तो भाई अपनी ट्रक ऑलमोस्ट लोड हो ही चुका है, थोड़ा सा रह गया। 3 फट्टे के लेवल में कर दिया, अब थोड़ा और ऊपर डालना है, फिर उसके बाद कांडा करवाएंगे यहाँ पे, वो जहाँ ट्रक कांडा करवा रहा है। तो चलो हो जाएगा थोड़ी देर में। एक ये इधर राजस्थान वाला गाड़ी लोड हो रहा है। लास्ट पॉइंट पे अभी लोड हो रहा है भाई अपना, हाइट नहीं जाएगा अपना, पाइप लगाएंगे और जाला वगैरह मारेंगे भाई। बॉडी की लेवल में आ गया है इधर, अब थोड़ा थोड़ा डो नहीं है। चलो तरपाल डालने लग तो हो गया। अब ये वाला एरिया रह गया, तो यहाँ डाल रहे हैं। एक उधर गाड़ी लोड हो रही है। तो भाई अपनी पैक हो गई है गाड़ी पूरी। अब जो लेवल में जो खड्डा है जहाँ पे, वहाँ लेवल कर रहा है ये कितने खड्डे। तो भाई फाइनली अपना ट्रक हो चुका है लोड, और तरपाल भी हमने डाल दिया हुआ है। ये देख लो तरपाल वगैरह डाल के पैक कर दिया पूरा। तो अब चलते हैं भाई, बिल का वेट कर रहे हैं। देख लो शाम के टाइम में तरपाल डाला अभी बड़ी मुश्किल से, और पीछे से भी हट्टे छोड़ दिए हमने। तो चलो अब एक काम करते हैं, जब गाड़ी भी अपनी रीजर्नेशन मांग रही है और खुद अपने आप रेस कर रही है, तो अपने आप बंद हो जाएगी। शीशा वगैरह साफ कर लेते हैं, फिर तब तक बिल वगैरह भी आ जाएगा, फिर निकल देंगे।
तो भाई अभी बिल नहीं मिला है, वेट कर रहे हैं बिल का, तो हालत देख लो भाई। तिरपाल सिरपाल मार लिया, अभी निकले के नहाना भी था, चलो कहीं आगे ढाबे पे ही नहाएंगे। फिलहाल गाड़ी वगैरह लॉक करके पीते हैं चाय चल के। ये है सामने इनकी कंपनी जहाँ से हमने, मतलब ये दफ्तर है इनका, ये बार मैसूर रोड जाता हुआ। चाय वगैरह पीते हैं भाई चल के, और साथ में तो भाई अभी आ गए हम नहाकर, तो नहाकर आ गए फ्रेश होकर, क्योंकि अभी निकलने का टाइम है, चलो पानी भी था यहाँ पर नहा दूंगा। ये रहा अपना सिविद रेस्पेक्ट ट्रेव लाव, वहां पर नहाए भाई, वहां पर पानी था खुला। तो भाई नहाकर आ गए हैं, अभी रेडी हैं अपना बस ट्रिप स्टार्ट। यहाँ से फ्रेश माल है, यहाँ से भी मंडी माल ही है भाई, तो टाइम है हमारे को चौथे दिन का, यहाँ से मतलब 72 घंटे का टाइम यहाँ से स्टार्ट है अपना। तो भाई मान लो क्या करें यार, कच्चे माल में भी फिर दौड़ना ही पड़ता है, तो अभी बिल नहीं मिला, बिल मिल जाए तो बस फिर निकलेंगे भाई। चलो फिलहाल टेंशन लगाते हैं, थोड़ा कैम हो जाते हैं, तो फिर चलो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे सफ़र। तो भाई फाइनली आज दे उसी गेट पर आ गए हैं, गेट्स के पास यहाँ से राइट को टर्न मार के और जाएंगे सीधा अपना तुमकुर की तरफ। डीजल भी डालेंगे अभी, डीजल भी डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद निकलते हैं भाई। यहाँ 10-15 किलोमीटर यहाँ से डीजल डालेंगे, जहाँ से एक बार उधर रेडी खड़ी है गाड़ी, यहाँ पे मंडी है, मंडी को बाय बाय करने का टाइम आ गया है, तो यहाँ गेट के पास एंट्री करते हैं। लोड करके निकल गए भाई, ये वाली मंडी थी, और अब यहाँ से निकल पड़े हैं। चलो फिर अब चलते हैं तुमकुर साइड में, अभी फिलहाल ये मैसूर रोड पे, मैसूर बेंगलोर रोड है, आगे से टर्न मार देंगे। ये बेंगलोर वाली बस जा रही है भाई, चलो निकलते हैं रब का नाम लेके ऊपर वाला, बस रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, बस यही दुआ करते हैं रब से। तो यहाँ से तुमकुर वाली साइड में हम कट मार देंगे भाई, ये सीधा रोड गया जो बेंगलोर वाला, हम ये ओल्ड बेंगलोर रोड पे यहाँ से बारी खुला हुए, कल हम यहाँ तक आए थे भाई, वो जो अपना शोएब भाई के साथ इधर तक आए थे। हमारे आगे दो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक अदरक वाली चल रही है, एक शायद नारियल वाली है, ये 10 टायरी गाड़ियाँ हैं दोनों। चलो भाई अपना बाय बाय करते हैं मैसूर बेंगलुरु वाली भाइयों को, और भाई बाइक वालों से डर ही लगा रहता है यार, क्या बोलें। कल हमने यहाँ पे चाय पिया था भाई के साथ, और चलो अपना रखते हैं कंटिन्यू सफ़र बेंगलुरु को, कर्नाटका को बाय बाय करेगा। अपना मंडी टाइम स्टार्ट हो गया आज से, फिर चौथे दिन में हमने पहुंचना है, मतलब 3 दिन में चौथे दिन की रात को हमने पहुंच जाना है। ये इस वाले रोड से जा रहे हैं जो कनिगल रोड पे, तुमकुर में निकलेंगे जाई, जंगल वाला रोड है, ये सिंगल रोड है पर है बढ़िया रोड है, ऐसा रोड हो तो ठीक है, मतलब टाइम कवर हो जाता है। आगे एक बोर्ड सा आया, वहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हलियारू दुर्गा तुमकुर 63 कनिगल 25 किलोमीटर।
तो भाई पहुंच गए हैं अभी टुमकुर में, टुमकुर सिटी के अंदर वाले रास्ते से आगे से राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेके फिर सीधा वही वाला रोड आ जाएगा। फिलहाल अभी ये ब्रेकर वगैरह, छोटे छोटे ब्रेकर बहुत आते हैं, इधर वाले होटल सब बंद हो गए हैं। आगे वो आ गया वो रेलवे फाटक ना, अंडरपास, ये क्रॉस करके राइट को घूमने का है। ऑटो वाला जाता है भाई, चल भाई जाने दे। सिटी वाला रास्ता घूम के आ गए हैं भाई, अभी पुणे वाले, पूना बेंगलोर हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। यहाँ से लेफ्ट को मारेंगे तो उसी रोड पे चढ़ जाएंगे। लेफ्ट तो चलो भाई, अभी फिर वही वाला रोड स्टार्ट हो जाएगा आगे से, ये सिटी में से आए ना हम घूम के। क्या स्टेट है वो, कह रहा सिटी है ना यो। इस होटल में बहुत जाम है ना। तो भाई हम टुमकुर को क्रॉस करने लगे तो अभी ये बस से खड़ी है यहाँ पे, अविनाश टूर एंड ट्रैवल। वैसे सिटी में कितना मस्त लगता है, लाइटें शाइटें वगैरह लगी होती हैं, हर चीज का मतलब एक बढ़िया। तो अपनी जर्नी भाई कंटिन्यू स्टार्ट कर दी, आज मंडी टाइम अपना है फिक्स है, बस मंडी अपनी होनी चाहिए यार, तो से सही सलामत से हो जाए। ये मेरे को लगता है बस स्टैंड है ना, ये बस स्टैंड है टुमकुर का भाई। अभी रात को नो एंट्री कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है, नहीं तो दिन में तो इधर नहीं चल सकते, यहाँ बस स्टैंड है ये। मैं तो उधर से जा रहा था, अभी बीच में भाई अजय भाई का कॉल आ गया था, कॉल आया तो भाई बोलता है उधर से राइट ले लेना, सीधा स्ट्रेट लेके फिर सिग्नल से राइट फिर उधर से, तो इसलिए इधर से ही मैं आ गया। बढ़िया ये शॉट है, यहाँ से मैं वहाँ से उधर को टर्न मारने लग गया था, इतनी देर में ही फ़ोन आ गया अजय भाई का। तो भाई चलो, मतलब कितना यार सुख है अपने, मतलब बंदा होना चाहिए दोस्त यार, बंदा कहीं भी हो ना तो काम आता ही है। अब जैसे मैं इधर आया तो भाई कितना सुख हो गया, उधर मंजू भाई ने टोल बचवा दिया वहाँ पे, जो जाती वरी मैसूर रोड पे गए, नहीं तो हम जो चढ़ जाते ना उसी रोड पे। अब ये हम सीधा बाहर को निकलेंगे यहाँ से हाईवे पे, उधर सिग्नल से वही वाला रोड आ गया। मेन रोड पे अभी पहुंचने वाले भाई, ये आ गया है मेन हाईवे बॉम्बे बेंगलोर रोड, इस पे पहुंच गए हैं। मान लो 100 किलोमीटर था वहां से यहाँ तक, तो वहां से हम चले थे 9 बजे, तो अभी बज गए 12 नहीं थोड़े कम ही है 11:36। आगे भाई हाईवे पे, ये आगे है बॉम्बे वाला रोड। अब हम तलाश करेंगे कोई होटल ढाबे की, तो वहाँ पे रोटी शोटी वगैरह खाएंगे खाना। चलो अब रखते कंटिन्यू सफर। तो भाई अभी सिरा क्रॉस करके अभी यहाँ पे राजस्थानी होटल है, खाते हैं भाई खाना यहाँ पे, फिर निकलते हैं आस्ते आस्ते। चलो पहले खाना खा लेते हैं, यहाँ पे लगाया अपना ट्रक। चलो खाना, ये होटल है सामने, रोटी खाते पहले। तो भाई चित्रदुर्गा में पहुँच गए हैं, चित्रदुर्गा अब देख लो भाई, चल रहे हैं। तो टाइम कितना हो गया,
टाइम हो गया है 3:45 और चित्रदुर्गा में पहुंच गए। वहां से भी लेट ही निकले थे भाई 9 बजे। तो चित्रदुर्गा से अभी घूमेंगे इधर से होशपेट के लिए। होशपेट ये वाला रास्ता है भाई, इधर से मारेंगे टर्न तो वहां उधर जाएंगे।